ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री की एक और शॉर्टकट जो ट्रिक, ठीक है, ये ट्रिक से क्या होता है, क्वेश्चंस हमारे बहुत छोटे हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे मेरे को दिया है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू टू, अभी अगर इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ऐसे केस में डायरेक्ट साइन थीटा वैल्यू वन लेना और कॉसेक थीटा वैल्यू इक्वल टू वन, बहुत आराम से देखो हो गया। अब जो भी क्वेश्चन अपने पास आएगा, ठीक है, ऊपर जो मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया है, साइन थीटा प्लस फोर और अपॉन में साइन थीटा प्लस फाइव, ठीक है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करने वाले हैं और आंसर आएगा साइन थीटा अपने पास इक्वल टू वन आया था, सो इट इज़ वन प्लस फोर अपॉन वन प्लस फाइव, ठीक है, सो आंसर इज फाइव अपॉन सिक्स। कितना जल्दी हो गया, कोई भी इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना पड़ा, सिर्फ ये देखना है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर टू आता है तो साइन थीटा भी वन और कॉसेक थीटा भी वन, ठीक है, याद रहेगा नहीं। और थीटा वैल्यू अगर कभी ज़रूरत पड़ गया कि अगर मेरे को देखो साइन थीटा की ज़रूरत थी तो मैंने वन लिया, लेकिन कभी थीटा की ज़रूरत पड़ा तो इट इज़ पाई बाई टू, ठीक है। मैं जितने भी डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर हो सकते हैं वो लिख देता हूँ। अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा टू आता है सो इट मीन्स साइन थीटा वन और कॉसेक थीटा वो भी इक्वल टू वन, ठीक है, याद रखना इसको। और सेकेंड, इफ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा देता है इक्वल टू टू, सो यहाँ से अपने पास कॉस थीटा वो इक्वल टू वन रहेगा और सेक थीटा वो भी इक्वल टू वन, ठीक है। एक लास्ट टेन के टर्म्स में जो था, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ये इक्वल टू अगर टू आता है सो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू वन एंड कॉट थीटा वो भी इक्वल टू वन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसको नोट कर लिया जाए। अब जहाँ मेरे पास ये कॉस थीटा इक्वल टू वन आया देखो, तो यहाँ से अगर थीटा की ज़रूरत कभी पड़ जाएगी तो इट मीन्स इट इज़ जीरो डिग्री, ठीक है। और जो टेन थीटा इक्वल टू वन आया तो यहाँ पर मेरे को थीटा वैल्यू पाई बाय फोर, ठीक है, ये याद रखना। ठीक, देखो क्वेश्चंस आते कैसे हैं, मेरे पास क्वेश्चन दिया है इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू टू साइन थीटा, अब ये तो कुछ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, चलो लेकर आते हैं वैसे। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय साइन थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा और इसको भी डिवाइड कर दिया साइन थीटा, ठीक है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करके आता है। अभी डिवाइड करने से इधर साइन थीटा प्लस और वन अपॉन साइन थीटा जो बच रहा था इट इज़ कॉसेक थीटा इक्वल टू दिस साइन थीटा कैंसिल इक्वल टू टू, आ गया जैसा मैंने पीछे लिखा, अभी जितना भी लिखा था उसमें से मैच हो रहा है, सो इट मीन्स साइन थीटा वैल्यू वन और कॉसेक थीटा वो भी इक्वल टू वन, ठीक। फाइंड क्या करना है, साइन पावर टेन थीटा प्लस कॉसेक पावर ट्वेंटी थीटा हो जाएगा, साइन थीटा वैल्यू वन सो इट इज़ वन पावर टेन प्लस कॉसेक थीटा ये भी वन, वन पावर ट्वेंटी, वन प्लस वन आंसर आ गया अपने पास टू, ठीक है, बहुत ईजी हो गया। बस थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको समझना है, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का ट्रिक है। चलो एक और क्वेश्चन याद से, इफ साइन टू थीटा प्लस कॉसेक टू थीटा इक्वल टू टू, ठीक है, यहाँ पर देखो साइन और कॉसेक के टर्म्स में है, ठीक है, ऐड करने से टू आ रहा है, सो यहाँ से अगर चेक करें तो साइन टू थीटा वैल्यू, ठीक है, साइन टू थीटा प्लस कॉसेक टू थीटा इक्वल टू ये टू दिया है तो साइन टू थीटा इक्वल टू वन और कॉसेक टू थीटा ये भी इक्वल टू वन, ठीक है, सो साइन टू थीटा इक्वल टू वन को चेंज करना है, कितना होना चाहिए ये साइन 90 डिग्री दैट इज साइन पाई बाय टू, ठीक है। अभी कंपेयर करने से टू थीटा इक्वल टू पाई बाय टू, अपने पास पाई बाय फोर, ठीक है, पाई बाय फोर मालूम होगा ना, 45 डिग्री। चलो पुट कर देते हैं जो क्वेश्चन फाइंड करना था,
सो इट इज टेन थीटा माइनस वन अपॉन टू साइन थीटा टेन पाई बाय फोर माइनस वन अपॉन टू साइन पाई बाय फोर साइन फोर्टी टेन फोर्टी फाइव मालूम है वन ठीक है टेन फोर्टी फाइव वैल्यू वन सो इट इज वन माइनस वन अपॉन टू और साइन फोर्टी फाइव डिग्रीज वन बाई रूट टू अभी ऊपर ही सॉल्व हो गया वन माइनस वन जीरो नीचे तो मालूम ही नहीं क्या करना है सो आंसर यहाँ पर अपने पास आ गया जीरो ठीक है थोड़ा सा क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन हैं ये चलो ये क्वेश्चन भी देखते हैं इफ कॉस टेन थीटा प्लस सेक टेन थीटा इक्वल टू टू दिया है कॉस टेन थीटा प्लस सेक टेन थीटा इक्वल टू टू ठीक है सो कॉस टेन थीटा इक्वल टू वन कितना होना चाहिए देखो कॉस टेन थीटा इक्वल टू वन का बात है अपने को ये कॉस जीरो डिग्री फिर से कंपेयर किया टेन थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री सो थीटा जीरो ठीक है सो इसका वैल्यू जो अपने को फाइंड करना है उसमें पुट कर देते हैं सेक पावर फाइव थीटा दिया है सो यहाँ पर ये सेक पावर फाइव जीरो डिग्री प्लस टेन पावर फाइव जीरो डिग्री अपॉन सेक जीरो माइनस टेन जीरो ठीक है अभी मालूम होगा सेक पावर फाइव जीरो दिया है सेक जीरो वैल्यू वन वन पावर फाइव प्लस टेन जीरो जीरो अपॉन में ये वन माइनस जीरो सो आंसर अपने पास यहाँ पर ये वन ठीक है अच्छे से ये सब आप समझ के जाओगे क्वेश्चंस हो जाएंगे।